Good morning, everyone, and welcome to online study system of CR International School. How are you, dear student? I hope you all are fine. आज हम जो डिस्कस करेंगे आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद आगे जो मैं वो पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे कैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1791 के अंदर जो नेशनल असेंबली थी उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था अपना और क्या उसके प्रोविजंस रखे गए थे मीन्स व्हाट दे हैव डन क्या अरेंजमेंट किया उन्होंने गवर्नमेंट को बनाने के लिए और उनकी गवर्नमेंट कैसे बनती थी वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारे पास। इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे किस तरह से फ्रांस के जो लोग थे सिटीजन थे उन्होंने किस तरह से जो राजा था उसको बिल्कुल अभी तो यहाँ पे क्या बनाया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है यहाँ पर अभी तक राजा के पास कुछ पावर्स दिए गए थे जैसे हमारे राष्ट्रपति के पास कुछ पावर्स होती हैं वैसे ही फ्रांस का जो किंग था उसको कुछ पावर दी गई थी लेकिन बाद में जो राजा था उससे सारी पावर कैसे छीनी गई वो हम इसमें आज डिस्कस करने वाले हैं। सो इफ यू गो थ्रू द स्टोरी अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो टिल नाउ वी हैव गॉन थ्रू दैट किस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ किस तरह से जो इंसिडेंट था 1789 का दैट हैड टेकन प्लेस वो कैसे हुआ व्हाट वर द सिचुएशन ऑफ द फ्रांस एट दैट टाइम किस तरह की सिचुएशन थी फ्रांस के अंदर दैट वी हैव डिस्कस्ड एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था नेशनल असेंबली के द्वारा 1791 के अंदर सो व्हाट प्रोविजंस दे मेड इट सो दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड इन 1791 National Assembly completed drafting of the Constitution of France in 1791. You need to remember that the date, the 1791, was the time when the French Assembly, France के अंदर जो Constitution बना था वो 1791 के अंदर complete हो गया था। अब ये जब Constitution हमारे पास बनकर complete हुआ तो it gave some rules to the citizen of the France. कुछ rules दिए राजा की power को उसने limit किया, right? तो क्या था हमारे पास? The very first thing that is done by the Constitution of 1791 was that इट लिमिटेड द पावर ऑफ द किंग इसने क्या किया राजा की जो पावर थी उसको क्या कर दिया लिमिटेड कर दिया नाउ द किंग वुड नॉट टेक द ओल्ड डिसीजन नाउ द डिसीजन वर टेकन बाय द नेशनल असेंबली अब जो डिसीजन लिए जाते थे हमारे पास वो सारे ही राजा को छोड़कर अब नेशनल असेंबली के पास पावर आ गई अब वो सारे डिसीजन लेती थी आप ठीक है। नेक्स्ट वन इज अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया इसमें दो तरह के सिटीजन्स की जो कह सकते हैं आपका सामने आए They were known as the active citizen or the passive citizen. So, what was the active citizen and the passive citizen? बहुत बार आपके सामने इस क्वेश्चन पूछा जाता है कि active citizen क्या थे किन को active citizen कहा जाता था in the constitution of 1791 और which one the passive citizen. So, what was the difference between active citizen and the passive citizen as well? कई बार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका active citizen में और passive citizen में क्या basic difference था So, let us discuss what were the active citizen. According to the Constitution of 1789, the citizen of the France was divided into the two category. One is active citizen and second one was passive citizen. Active citizen were those who had the men, especially यहाँ पे हम ध्यान देंगे आपका this Constitution focused onto the male category. यहाँ पे men पे ज़्यादा जोर दिया गया आपका men above 25 years. यानी कि women इसमें included नहीं की गई थी. Men above 25 years एक आदमी जिसकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है and who paid taxes equal to the at least 3 days of a labor wages. एक ऐसा आदमी the age of 25 years, जिसकी age 25 years है और इसके साथ साथ वो क्या करता है आपका taxes pay करता है आपका at least 3 days is labor wages. यानी कि एक मजदूर जितना 3 days के अंदर जो कमाता है the same equality, उसी equality के आधार पर मतलब उतना ही पैसा अगर कोई भी आदमी tax के रूप में pay करता है तो ही विल बी एंटाइटल एज अ एक्टिव सिटीजन तो उसको क्या माना जाएगा एक्टिव सिटीजन माना जाएगा आपका ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें स्पेशली आपको याद रखनी है द मैन एज ऑफ 25 इयर्स ये क्वालिफाइंग कह सकते हैं आपका कि एक डिसीजन बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन थी आपका एक आदमी जिसकी उम्र 25 ईयर है राइट और दूसरा एक आदमी वही आदमी अगर 3 days के लेबर की मजदूरी के बराबर का अगर टैक्स पे करता है तो ही विल बी द एक्टिव सिटीजन एंड एक्टिव सिटीजन वर एंटाइटल टू राइट टू वोट और एक्टिव सिटीजन जो थे आपके इनको वोट डालने के क्या दिए गए थे आपके राइट्स दिए गए मीन द पर्सन हु वर द एक्टिव वर अलाउड ओनली टू कास्ट द वोट वो लोग वोट डाल सकते थे आपका। इसके बाद आपका पैसिव सिटीजन क्या थे हमारे पास बाकी सभी लोग ऑल वीमेन एंड मैन चिल्ड्रन वर द पैसिव सिटीजन यानी कि सिर्फ 25 ईयर्स वाला हमें एक पर्टिकुलर याद रखना है आपका 25 ईयर्स 3 days वेजेस वाले लोगों को एक्टिव बोला गया था जिनको वोट डालने का राइट दिया गया बाकी सभी हमारे क्या रखे गए पैसिव सिटीजन रखे गए थे एंड दे वर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ द राइट्स वर गिवन टू देम सो पैसिव सिटीजन हमारे पास गए इसके अंदर आपका। अब ये देखिए वर्किंग क्या था हाउ दिस नेशनल असेंबली जो हमारे पास बनी थी कैसे इसका वर्किंग था आपका
जैसे हमने अभी डिस्कस किया एक्टिव सिटीजन वर देयर हु वर हैविंग इन द राइट टू वोट, जिनके पास क्या था आपका वोट डालने का राइट था। अभी वोट डालते थे, वोट डालने वाले थे नेशनल असेंबली को चुनते थे, नो दे इलेक्टेड द इलेक्टर्स, यानी कि ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट थी, आपको वोट डालने का राइट मिल गया है और आप क्या कर सकते हैं आपका जो नेशनल असेंबली को इलेक्ट करेंगे उनको आप चुन सकते हैं। यानी कि जो नेशनल असेंबली थी वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं की जाती थी, वो क्या होती है इनडायरेक्टली इलेक्टेड की जाती थी आपकी जो वोटर्स थे द एज ऑफ 25 इयर्स एंड 3 डेज वेरी दे कास्ट द वोट फॉर द इलेक्टर्स। इलेक्टर्स अगेन क्या करते थे आपका जो नेशनल असेंबली थी उसको क्या करते थे आपका चुनते थे। एंड नेशनल असेंबली क्या कहलाते हैं ये सारे लेजिस्लेटर्स कहलाते थे, क्या कहलाते थे हमारे पास लेजिस्लेटर कहलाते थे। एंड नेशनल असेंबली कंट्रोल द होल सिस्टम, अब नेशनल असेंबली वो सारे सिस्टम को कंट्रोल करती थी, इट्स कंट्रोल द मिनिस्टर्स। नेशनल असेंबली के अंदर जैसे हमारे पास इंडिया के अंदर भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वैसे इनके पास भी मिनिस्टर्स बनते थे, डिफरेंट डिफरेंट जो मटेरियल मैटर्स होते हैं उन पर वर्क करने वाले, उनको भी कंट्रोल कौन करता था मिनिस्टर्स करते थे। और इनकी जो संख्या होती थी 745, नेशनल असेंबली के अंदर जो मेंबर थे लगभग 745 के आसपास मेंबर्स नेशनल असेंबली के मेंबर बनते थे। इन्हीं मेंबर्स में से क्या बनाए जाते थे आपके मिनिस्टर्स बनते थे आपका, राइट। नेक्स्ट वन इज जो फाइनल पावर थी द वीटो पावर विद द किंग, राजा जो था उसके पास वीटो पावर थी, मतलब फाइनल डिसीजन वर टेकन बाय द किंग, अभी तक तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर लाया गया, राइट। देन एक्ट डिसीजन अगेन जो हमारे पास अलग से जुडिशरी सिस्टम था उसके लिए भी वोट डालते थे और जजेस का क्या करते थे आपका इलेक्ट करते थे आपका, ठीक है। तो ये दिस वॉज द वर्किंग ऑफ द नेशनल असेंबली, ये नेशनल असेंबली की वर्किंग थी हमारे यहाँ पर। और इसके साथ साथ जो फ्रेंड्स का जो 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या किया, इट गेव सम राइट्स टू द सिटीजन एंड इट डिक्लेयर ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन एंड द सिटीजन। वो आपके राइट्स आपकी जो बुक है उसके साइड में दिए हुए हैं, आप सबको राइट्स एक बार पढ़ लेने हैं, वैसे क्वेश्चन आते नहीं है लेकिन फिर भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा और उनको अपनी बुक में नोट डाउन करना है आपको। दिस इज योर होमवर्क कि आपका जो वो दिया गया उसको आप इसमें करेंगे। नेक्स्ट वन इज नेचुरल एंड द, और ये जो राइट्स जो दिए गए थे यानी कि जो सिटीजन राइट्स थे एंड मैन के लिए राइट्स दिए गए थे आपका दिस वर नेचुरल, यानी कि जन्म लेते ही इनको क्या थे मिल जाएंगे और इन अलाइनेबल का मतलब होता है कि जिनको छीना नहीं जा सकता, दे कांट बी टेकन अवे फ्रॉम द सिटीजन, उनको सिटीजन से नहीं लिया जा सकता। सो दिस अरेंजमेंट वॉज डन इन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, ये अरेंजमेंट किया गया था हमारे पास 1791 के अंदर। तो अब राजा की जो पावर थी वो लिमिटेड हो गई, यू अंडरस्टैंड इट, जब किसी की पावर लिमिटेड कर दी जाती है तो ही फील वेरी बैड, उसको बहुत बुरा लगता है, वो पिछली बात है। तो राजा को भी इस बात को बुरा लगा कि भाई अब उसका उससे कुछ पूछा नहीं जाता, ही वॉज ओनली द नॉमिनल, वो सिर्फ आपके नाम के रह गए, आपका सिर्फ साइन करने के लिए उनको रखा गया है। तो ही डिड नॉट एक्सेप्ट दिस, इसको एक्सेप्ट नहीं किया और सीक्रेटली व्हाट ही डिड इन द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट ही डिड। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्रांस अबोलिश मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक। अब क्या हुआ, जो फ्रांस था अभी तक तो क्या था, यहां तक 1791 तक तो क्या चलता रहा था आपका, जो राजा था उसको कुछ पावर दी गई थी, लेकिन राजा के पास जो पावर नहीं थी तो उसने जो नेशनल असेंबली थी उसके खिलाफ जाकर लड़ाई करने के बारे में सोचा। सो एट दैट टाइम द फ्रांस की जो नेशनल असेंबली थी उसने क्या किया, मोनार्की को बिल्कुल ही अबोलिश कर दिया, खत्म कर दिया और जो हमारा फ्रांस था इट बिकेम द रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब आप समझते हैं आपका द टॉप लीडर ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड नॉट अ हायरार्की, ये मैं पहले बता चुका हूं आपका कि ये आपका इट इज नॉट द पर्सन हु इज फ्रॉम अ राजा का बेटा, राजा ऐसा नहीं रहेगा, अब उसको क्या किया जाएगा आपका चूज किया जाएगा, दैट विल बी इलेक्टेड नाउ। सो हाउ दिस, क्या हुआ, राजा जैसे उसको 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या कर दिया गया आपका लिमिट कर दिया, उसकी पावर को लिमिट कर दिया गया। अब उसकी पावर को लिमिट कर दिया गया तो ही थॉट दैट ये तो गलत हो गया है, अब मेरी पावर को ही लिमिटेड कर दिया गया है। तो व्हाट ही डिड, ही हैड अ सीक्रेट अलाइन विद द किंग ऑफ पर्सिया। अब जो लुई 16 था, दिस इज वेरी प्रॉब्लमेटिक पर्सन, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक पर्सन रहेगा आपके लिए ना, लुई 16 था उसने क्या किया, चुपचाप से जो किंग ऑफ पर्सिया थे उनसे जाकर मिले, सीक्रेटली उनसे मिले और एक अलायंस कर ली कि हम नेशनल असेंबली को क्या करेंगे वो ओवरथ्रो कर देंगे, नेशनल असेंबली यहां से क्या करेंगे हटा देंगे। क्यों, राजा किंग की मदद, किंग ऑफ पर्सिया ने क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है आपका राजा और राजा आपस में फैमिली रिलेशंस होते थे या फिर
आपस में जो भाईचारा होता था उसको लेकर इन्होंने समझा कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए, और अगर आज ये फ्रांस में हो रहा है तो कल ये हमारे साथ भी हो सकता है। तो दे हेल्प डिम, तो उन्होंने इनके क्या की मदद की। अदर नेबर किंग ऑल्सो हेल्प डिम, इसके साथ साथ दूसरे जो राजा थे उन्होंने भी इसी बारे में यही सोचा कि आज नेशनल असेंबली बनी हुई है फ्रांस के अंदर, कल हमारे यहाँ पर भी बन सकती है, क्यों ना हम इस नेशनल असेंबली को यहीं कहीं खत्म कर दें। सो दे हेल्प टू द लुई 16, तो उन्होंने लुई 16 की हेल्प की। आसपास के जैसे हमने बात करेंगे जैसे पर्शिया हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, दे हेल्प टू द किंग ऑफ द फ्रांस, उसने जो किंग था लुई 16 उसकी मदद करने के बारे में सोचा। बट बिफोर दे कुड डू इट, लेकिन अगर वो ऐसा हो पाता, नेशनल असेंबली को इसके बारे में पता लग गया कि जो राजा है वो हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। व्हाट दे डिड इन दैट, सो ही डिक्लेयर्ड वार अगेंस्ट द पर्शिया एंड द ऑस्ट्रिया। तो उन्होंने नेशनल असेंबली ने क्या किया, जो पर्शिया और ऑस्ट्रिया के जो राजा थे उनके खिलाफ लड़ाइयां घोषित कर दी, भी हम इनको पूरी तरह से हटा देंगे। अब इससे हुआ क्या कि अब इसके लिए उनको आर्मी के रिक्वायरमेंट्स, व्हाट दे गॉट इट, आर्मी जो कॉमन लोग थे उन्होंने वॉलेंट्री उन्होंने सोचा कि भाई हमारे राइट्स चले जाएंगे, तो उन्होंने अपने मन से क्या किया, जो फ्रांस की आर्मी थी नेशनल असेंबली थी उसको ज्वाइन करना स्टार्ट किया। दे स्टार्ट ज्वाइनिंग इट, देन थाउजेंड्स ऑफ द वॉलंटियर ज्वाइन द आर्मी, बहुत सारे जो हजारों की संख्या में लोगों ने आर्मी को ज्वाइन किया, और आर्मी के अंदर कौन थे, जो कॉमनर पीपल थे उन्होंने इनको ज्वाइन किया। इसके साथ साथ सॉन्ग ऑफ मार्सलेज वॉज कम्पोज बाय द रोजेट द आइजले, ये मार्सले जो है आपका आज भी हमारे फ्रांस जो है उसका नेशनल एंथम बन चुका है, और ये कंपोज किया गया था आपका रोजेट द आइजले, इसने इसको बनाया था। कई बार एक नंबर में पोटेंशियल क्वेश्चन आता है आपका, कई बार पूछ लेते हैं आपका कि हु मेड द नेशनल एंथम ऑफ द फ्रांस, फ्रांस का नेशनल एंथम वो किसने बनाया था, तो आपको याद रखना रोजेट द आइजले ने इसको बनाया था आपका। अब इसका नाम मार्सले के ऊपर है बिकॉज द सॉन्ग वॉज संग बाय द मार्सले। अब फ्रांस के अंदर एक जगह है मार्सले, वहां पे जो वॉलंटियर ने इसको ज्वाइन किया था तो उन लोगों ने इसको गाया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया आपका, मार्सले पड़ गया, और आज भी ये हमारे पास से बना हुआ आपका, ठीक है। इसके बाद क्या, जिन लोगों ने अब राजा, अब यहां तक क्या हुआ, राजा के खिलाफ लड़ाई होगी तो राजा को हटा दिया गया, नाउ द किंग वॉज रिमूव फ्रॉम द फ्रांस, राजा कट गया, और जो फ्रांस था हमारे पास वो कन्फर्म क्या बन गया आपका, एक रिपब्लिक बन गया। रिपब्लिक बनने के बाद जिन लोगों ने नेशनल असेंबली की हेल्प की थी, दे डिमांडेड फॉर मोर राइट्स, उन्होंने और राइट्स डिमांड किए नेशनल असेंबली से, क्या, दैट इज रेवोल्यूशनरी फर्दर डिमांडेड ग्रेटर पॉलिटिकल इक्वालिटी, दैट इज वोटिंग राइट। सबसे पहले जो डिमांड रखी गई नेशनल असेंबली के सामने वो क्या रखी गई आपका, वोटिंग राइट्स के बारे में रखी गई कि जो आम लोग हैं उनको भी क्या मिले, वोटिंग राइट्स मिले, बिकॉज वी हैव गॉन थ्रू दैट द राइट्स ऑफ द वोट ओनली विद द एक्टिव सिटीजन, बट नाउ हियर डिमांड वॉज इंक्रीज। अब यहाँ पे डिमांड इंक्रीज, जिन लोग जो क्रांतिकारी लोग जिन्होंने मदद की थी उनकी तरफ से डिमांड आनी स्टार्ट हो गई नेशनल असेंबली के लिए कि वोटिंग राइट है वो वीकर सेक्शन को भी प्रोवाइड करवाए जाने चाहिए आपके, ठीक है। सो पॉलिटिकल क्लब इसके लिए क्या बनाएंगे, जब इसकी डिमांड को डिस्कस करने के लिए, और जो नेशनल असेंबली थी उसकी जो पॉलिसीज वगैरह उसको डिस्कस करने के लिए कुछ क्लब्स बना दिए गए। क्लब आप समझते हैं आपका जैसे पॉलिटिकल पार्टी होती है वैसे क्लब बना दिए गए। क्लब्स के अंदर जो कॉमन पीपल थे दे वेंट देयर एंड दे डिस्कस द पॉलिसीज ऑफ द नेशनल असेंबली एंड द गवर्नमेंट ऑफ द फ्रांस। तो गवर्नमेंट ऑफ द फ्रांस की जो जितनी भी पॉलिसीज वगैरह थे उनको आपस में डिस्कस करते थे। सो पॉलिटिकल क्लब बनाए गए ताकि ये लोग क्या कर सकें आपका, सरकार को अपने काम करने के लिए मजबूर कर सकें, लाइक एन अपोजिशन पार्टी। एंड इसमें जो प्रोमिनेंट नाम आता है हमारे पास जैकोबिन क्लब का आता है। सो दिस विल बी डिस्कस्ड नेक्स्ट टाइम। जैकोबिन क्लब एक प्रोमिनेंट नाम है, इसको अगले वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे आपका। तो ये हमारे पास था हाउ द फ्रांस बिकम द मोनार्क टू रिपब्लिक, कैसे हमारे पास जो फ्रांस था, स्टोरी हमारे पास सामने आ गई है अब कि राजा की पावर से किस तरह से जो प्रजा है उसकी पावर में कैसे ट्रांसफर हुआ। ये 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन हमने डिस्कस किया, 79 के कॉन्स्टिट्यूशन में What happened? क्या उसके कह सकते हैं आपका, what provisions were made into the constitution of 1791? You need to tell all these points. This is the working of the National Assembly. National Assembly की working है। आपको जो अगर पूछते हैं आपके friends जो आपका National Assembly के बारे में पूछते हैं, sorry आपका 1791 के constitution के बारे में अगर आपसे पूछते हैं कि what were the provisions of the 1791 constitution, so you would need to write this is National Assembly constituted this constitution 1791. First thing that is done by this was that it limited the power of the king. The National Assembly and according to the Constitution of 79, the citizens of the France were divided into the two categories. One is active citizen, second one is the passive citizen. Right? Then Constitution of 79 declared of the rights of the men and women. And
these rights would be the natural and the inalienable. So these four or five points you need to tell when it is to be asked what were the provisions made into the Constitution of 79. Next question is coming to you that how the France become a republic. So you need to write all these points. अब ये सारे पॉइंट्स इसमें लिखने होंगे. अगर इसके अलावा फिर भी आपको कोई क्वेरी होती है तो यू कैन कॉल मी, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस. दैट्स ऑल फॉर द डे. सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय. सी यू.